वेरी गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम टू इट्स बिश्नोई वंस अगेन। और कल हमने DCB के साथ एक वीडियो बनाया था, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, काफ़ी फन वीडियो था। कुछ इसमें लोगों ने कभी बताई क्योंकि शायद हम कंटेंट पूरा शूट नहीं कर पाए थे, एक दो कैमरा एंगल और होते तो थोड़ा और ज़्यादा मज़ा आता। कोई बात नहीं, हमने तो खूब इन्जॉय किया, आई होप आप लोगों ने भी इन्जॉय किया होगा। पिछले कुछ दिनों से कुछ मेरे व्यूअर्स कह रहे थे कि आपने हाउ फार इट कैन गो का बनाया, हाउ हाई इट कैन गो का वीडियो बनाया। अभी एक वीडियो प्लान मैं कर रहा हूँ कि हाउ लॉन्ग इट कैन फ्लाई, आई मीन इसका फ्लाइट टाइम कितना है, कितनी देर ये उड़ सकता है हमारा लाल बादशाह, उस पर मैं एक वीडियो बनाना चाहता हूँ। सो बने रहिएगा हमारे साथ। सो गाइज सबसे पहले हम क्या करना है कि हमने इसको कैलिब्रेट कर लिया। कैलिब्रेट करने में और स्टार्ट करने में लगभग 1% बैटरी आपका लग जाएगा। अभी हम अपने इस पर टाइमर सेट करेंगे, टाइमर सेट करेंगे उसका टेक ऑफ बटन दबाएंगे, देखते हैं कितना देर ये फ्लाई करता है। तो मैं अपना टाइमर से इस पर सेट कर देता हूँ स्टार्ट, और ये मैंने दबा दिया टेक ऑफ। तो अभी हमारा ये फ्लाइट टेक ऑफ शुरू कर दिया इसने, ठीक है। तो इस पर हमने टाइमर सेट कर दिया है, सो लेट्स रॉक एंड रोल। दोस्तों अभी इसको हम ज़्यादा दूर नहीं लेके जाएंगे आज, आज इसका बस यहीं पे ही आसपास ही घुमा के देखेंगे इसको। हो सकता है हम शायद थोड़ा फुटेज ले लें इससे, तो चलिए थोड़ा सा घुमा के लाते हैं इसको, क्योंकि यूसेज का टाइम देख रहे हैं इसमें, खड़े खड़े का तो टाइम देखना नहीं है इसमें। अभी काफ़ी दूर चला गया, थोड़ा सा पास बुला लेंगे इसको, थोड़ा फुटेज भी बना लेते हैं, ताकि फुटेज तो डालूं वरना आप लोग देखेंगे क्या। आप सब लोगों का सहयोग चाहिए ताकि आप ज़्यादा ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें हमें। मैम इतनी मेहनत कर रही है, इतनी गर्मी में हम खड़े हैं, तो मुझे लगता है आप लोगों को हमें सब्सक्राइब करना चाहिए। बचो, नो, ये है ना जो चूचू आवाज़ दिख रही है ना, ये पक्षी इसको अटैक करने की कोशिश कर रहा है, हमें अपने एयरक्राफ्ट को बचाना है, बचाओ। ओहो एकदम ओवरहेड है, चलो थोड़ा हाईवे के ऊपर घुमा के लाते हैं, होपफुली कोई पुलिस वाला ना देखे इसको। अप्रॉक्सीमेटली 74% बैटरी लेफ्ट, ये आप मेरे नीचे जो देख सकते हैं ये NH1 हाईवे है, भालगढ़ से लेके और लगभग पानीपत के बीच में कोई 50-60 पुल लेके आ रहे हैं, भगवान जाने तक खर्चा क्यों कर रहे हैं, क्या मज़ा आता है इनको। मुझे नहीं लगता है इनको इतना पैसा खर्च करना चाहिए इस पर, अगर कुछ खर्च करना तो कुछ ढंग के कॉज पर खर्च करें। ठीक है हाईवे आपको बनाना है, अच्छा हाईवे बनाइए, हर गली के लिए एक ओवरब्रिज बनाना ऐसा लगता है जैसे पैसे खाने वाली बात हो गई है, तो वो मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है, तो वो इनको नहीं करना चाहिए। ये देखिए आपके सामने है NH1, वीडियो ज़्यादा क्लियर नहीं आ रहा है क्योंकि काफ़ी धुंधला है, और हमने शायद इसमें एक गलती और कर दी है, मैं वीडियो रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ। हमने जो इसका वीडियो है वो स्लो मोशन पे डाल रखा है, जो कि बहुत ही गलत है, मैं इसको चेंज करने वाला हूँ अभी, और जिससे कि हमारी जो वीडियो है वो अच्छी बने बट इतनी स्लो भी नहीं बने, क्योंकि इसमें क्या होता है इनबिल्ट सिस्टम होता है कि अगर आपने 120 FPS पे 1080p पे स्लो मो में अगर डाल दिया तो पूरी जो आउटपुट है वो भी स्लो वीडियो ही बनाएगा। ये ऐसा नहीं है कि आप पोस्ट में इसको ठीक करें, पोस्ट में ठीक कर सकते हैं बट उसको बार बार स्लो करना पड़ता है, लास्ट वाली वीडियो में गड़बड़ हो गई थी। कोई नहीं, अब हमने इसको 1080p पे 124 फ्रेम्स उस पर कर दिया है, 60 फ्रेम्स पर सेकंड पे, और फिर से हम बनाते हैं अपने वीडियो। तो अब ये देखिए, अब मैं दोबारा से इसका रिकॉर्ड बटन दबाता हूँ, फिर से रिकॉर्डिंग चालू हुई। भाई लोग गर्मी बहुत है, गर्मी के अंदर उतना मज़ा नहीं आता वीडियो शूट करने में, इसको थोड़ा नीचे ले आए, 62% बैटरी लेफ्ट, गर्मी बहुत है। भाई लोग सब्सक्राइब करो, इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए,
ध्यान रखिए आप हमेशा आपकी जो ड्रोन है उसको अपनी साइट में रखिए, क्योंकि यू नेवर नो उसको कोई पक्षी टकरा जाए, उसको कोई कोई उसको पत्थर फेंक के मार दे, उसको कोई चोट पहुंचा दे या फिर किसी तार में उलझ जाए, तो आपको उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। रिकॉर्डिंग ऑन है ना, तो अभी 55% बैटरी लेफ्ट। आई होप 7 मिनट और लगभग 50 सेकंड हो चुके हैं, 8 मिनट होने वाले हैं, 50% बैटरी लेफ्ट है अराउंड, मतलब इसके हिसाब से 15 मिनट इसका फ्लाइट टाइम है, 15 मिनट इसको चलना चाहिए। हल्की हल्की विंड है, ज़्यादा विंड भी नहीं है, और मुझे नज़र आ रहा है यहाँ से साफ साफ। स्पोर्ट्स मोड पे मैं नहीं डाल रहा हूँ इसको, स्पोर्ट्स मोड पे बहुत ज़्यादा ये बैटरी पीता है, इस वजह से स्पोर्ट्स मोड पे अभी नहीं डाला मैंने इसको। मैम का बहुत बहुत शुक्रिया, मैम इतनी शिद्दत से मेरी मदद कर रही हैं, पता है इनको गुस्सा भी काफ़ी आ रहा है, बट कोई बात नहीं। फिरते फिरते बचा, थोड़ा सा बचा पेड़ से लगते लगते, इसको थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ मैं, अदरवाइज तो पेड़ को लग जाएगा। सो 32% बैटरी लेफ्ट एंड अराउंड 4 मिनट 3 सेकंड्स लेफ्ट टू गो। अभी इसको थोड़ा सा घुमा लेते हैं भाई लोग, अभी थोड़ा पेड़ आ गया था बीच में, भिड़ते भिड़ते बचा, क्योंकि टाइम वो देखा थी ना मैंने, पास में देखा था। आपको ये हमेशा नज़र में बना के रखना चाहिए ताकि आपको पता लगता रहे कि कहाँ पर है ये। तो अभी मैं अपने ऊपर से इसको निकालने की कोशिश करता हूँ, 30% बैटरी से नीचे हो गए, 28% बैटरी लेफ्ट। इसको मैं ज़्यादा दूर नहीं लेके जाऊँगा, बट आई विल फ्लाई टिल अराउंड 5%, उसके बाद आई विल ट्राई टू लैंड इट अप। यार बीपर ना परेशान कर दिए तो, कट 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 बज रहा है, बज रहा है। सेंसर भी काम कर रहा है इसका, सेंसर में भी आवाज़ आ रही है, पम 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 पम। देखते हैं मैं इसके पास जाता हूँ तो दूर से दूर जाता है कि नहीं जाता। आ जाओ नीचे आ जाओ। हवा खा लेते हैं थोड़ी, जस्ट हमारे ऊपर है, मस्त हवा आ रही है, देखिए मैम को। तो एट 17% एयरक्राफ्ट अपने आप अपने जो बेस पॉइंट था उस पर रिटर्न कर रहा है 17% पे। ये मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ऑटोमेटिक लैंड कर रहा है। ये कोशिश कर रहा है लैंड करने की और ये परमिशन मांग रहा है लैंड करने की। लिखा रहा है एयरक्राफ्ट डिसेंडेड 20.5 मिनट कंटिन्यू लैंडिंग
फ्लाई टू लैंड, इस पर लिखा आ रहा है कि फ्लाई टू लैंड। अभी राउंड 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 दिख नहीं रहा है, 12% बैटरी बची हुई है, तो आई होप हमें इसको लैंड कर देना चाहिए। और से मैं इसको पीछे ले लेता हूँ क्योंकि सनलाइट बहुत ज़्यादा तेज है, इसलिए ज़्यादा पता नहीं लग रहा है। हम काफ़ी बड़ा रिस्क ले रहे हैं, 1 फुट ऊपर है फिर भी ये गिर सकता है, टूट सकता है। सो नाउ बैटरी इज अराउंड अराउंड 10% बैटरी बची है, तो मैं कोशिश करूँगा थोड़ी देर और उड़े ये, और उसके बाद में हम इसको कोशिश करेंगे लैंड करने की। दिल दुख दुख कर रहा है, जब हालांकि 1 फुट ऊपर ही है फिर भी टेंशन हो रही है कहीं गिर गया टूट ना जाए। एक बार टूटा इसका मतलब वो टूटता तो 20-25 हज़ार रुपये का फटका है, खर्चा होता है। प्लस में अगर कोई स्पेयर पार्ट बॉडी पार्ट टूटता है वो भी खर्चा आपका अलग लगेगा। आई थिंक देखना, मैं आपको नज़र आ रहा है क्या, 7% बैटरी लेफ्ट, तो आई थिंक मुझे इसको लैंड कर देना चाहिए। सो आई एम लैंडिंग इट डाउन एंड विल सी आर टाइम कितना हुआ है। सो गाइज, हमने इसको लैंड कर दिया है, काफ़ी मज़ा आया वीडियो बनाने में, थोड़ी सी घबराहट भी रही कि क्या होगा क्या नहीं होगा। सो लेट्स आर चेक आवर टाइम, कितना देर ये उड़ा है। तो फ्लाइट टाइम आया 16 मिनट 5 सेकंड्स, 5 सेकंड इधर आने में आया, तो एग्जैक्ट 16 मिनट हमने इसको उड़ाया। 16 मिनट का फ्लाइट टाइम है, पसीना काफ़ी आ गया, गर्मी बहुत ज़्यादा है, बट गाइज फ्रैंकली स्पीकिंग ड्रोन उड़ाने में मज़ा बहुत आता है। ये 15 मिनट आपको लगते हैं, 15 मिनट उड़ेगा बस, बहुत है 15 मिनट, आप इसमें अच्छे फुटेज ले सकते हैं और काफ़ी कुछ इससे बना सकते हैं, बहुत मज़ा आता है ड्रोन उड़ाने में। हालांकि इंडिया में इलीगल है, और देखिए इसमें 16 मिनट 32 सेकंड अगर आपको नज़र आ रहा हो, नज़र आ रहा है नहीं आ रहा है, इसमें मुझे नज़र आ रहा है, आपको नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, इसमें 16 मिनट ही उड़ा था। हालाँकि इंडिया में इलीगल है बट उड़ा रहे हैं, क्या करें। सो गाइज, आई होप आप लोगों को इसका फ़्लाइट टाइम समझ आया होगा, 16 मिनट फ्लाइट टाइम है, हल्की विंड चल रही थी और नॉर्मल कंडीशंस में 16 मिनट हमने उसको उड़ाया। सो गाइज, दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माय साइड, इट्स बिश्नोई, टेक केयर, बाय बाय, कीप वॉचिंग।